तो दीदी पिछले साल जो आप लोगों को मानदेय नहीं मिला था वो आप लोगों को मिल गया है क्या? जी हाँ, हम लोगों को मानदेय मिल चुका है और हमारा मानदेय बढ़ के भी आया है जी। हाँ, पिछली बार जो जैसी कटौती हो रही थी वो नहीं हुई है, इस बार मानदेय हमको बढ़ के मिला है। तो मानदेय समय पे ना मिलने से आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होती थी और अब क्या क्या मतलब आप लोगों को फायदा है? पहले मानदेय हमको समय पे नहीं मिलता था, इसलिए हमारे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह हम लोग समय पे नहीं दे पाते थे। इस बार मानदेय अच्छा मिला है और समय पे मिला है, हमारे बच्चों के लिए हम स्कूल की फीस अच्छे से दे पा रहे हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मानदेय मिल जाने के बाद आप शासन प्रशासन को और अधिकारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे शासन प्रशासन को, हमारे अधिकारियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा, हम लोग को मानदेय समय पे दिया और बढ़ा के दिया, इसलिए हमारे शासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और साथ ही आप हमारी संस्था और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा और हमारे लिए अच्छा काम किया। आप लोगों को जो पिछले साल 2-3 महीने का मानदेय नहीं मिला था, क्या अब आपको मिल चुका है? अभी तो पहले का तो मिला है, अपन को मानदेय मिलता तो अपन खुश रहते और अपना परिवार भी चलता, लेकिन हर महीने मानदेय नहीं मिलने से तो दुखी है, हर चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने जो रोजमर्रा के काम वगैरह अपन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं पैसे की दिक्कत के कारण। तो मानदेय जो मिल गया है आपको, जो प्राप्त हो गया है, उसमें आप शासन प्रशासन को और अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो बोलेंगे उनको धन्यवाद जो आपने दे दिया है, तो बिल्कुल मत। साथ ही हम आपकी संस्था और आपको भी धन्यवाद देते हैं सहदिल से, सहदिल से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा सहयोग कर रहे हो और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हो और हमारा जो वीडियो आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए भी आपको सहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद।